चलिए तो अब हम बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, जो कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गिब्स फ्री एनर्जी एक दूसरा स्टेट पैरामीटर है जो सेकंड लॉ के कोरेस्पॉन्डिंग निकल के आया था अपार्ट फ्रॉम एंट्रोपी, जिसके मदद से आप सेकंड लॉ को जस्टिफाई करते हैं, उसके स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ बातें हमने पहले भी की थी, जैसे ये एक स्टेट फंक्शन है क्या? यस सर, स्टेट फंक्शन, साथ ही साथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये एक ऐसा पैरामीटर है जो स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, हेल्प इन प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस और चेक स्पॉन्टेनिटी। अब आपको बोला था कि यूजफुल और नॉन यूजफुल वर्क का फंडा क्या है, ये थोड़ा सा पता करने के लिए, क्योंकि तो इसकी जरूरत पड़ेगी अभी आते हैं। किसी को आइडिया, ये यूजफुल वर्क क्या चीज होता है? देखो मैं आपको एक केस दिखाता हूं। मान लो एक टेबल सा है, इस टेबल पे मैंने एक पिस्टन सिस्टम रख दिया, ठीक है, गैस भराया, ठीक, और यहां पे कुछ सपोर्ट वगैरह लगा के पुली के थ्रू कोई एम मास लटका रखा है, ठीक है, क्लियर? अब समझते हैं क्या है यहां पर। जब यहां पे जो भी गैस है, या तो ये गैस एक्सपैंड करे या गैस कॉम्प्रेस करे, कुछ भी करे, ठीक है, क्योंकि बाहर कुछ एक्सटर्नल प्रेशर वगैरह भी होगा। मान लेते कुछ पी एक्सटर्नल है, अभी 180 ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ है मान लेते हैं, ठीक है, तो या तो एक्सपेंशन या कंप्रेशन कुछ होने की पॉसिबिलिटी है यहां पर, कुछ भी हो तो ये वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कुछ कर सकते हैं। yes, तो यहां पर इस गैस के कोरेस्पॉन्डिंग एक वर्क होगा जो एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन के कोरेस्पॉन्डिंग होगा। एक्सपेंशन लिख लू या कॉम्प्रेशन लिख लू, जिसको आप माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी कुछ इस टाइप से निकाल सकते हैं, है ना। इस वर्क को हम पीवी वर्क भी कहते हैं, पीवी वर्क। तो फिजिक्स में आपने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है, नॉन पीवी वर्क सुना? नॉन पीवी वर्क क्या हमेशा वर्क ऐसा ही होता है क्या जिसमें वॉल्यूम का चेंज हो रहा हो? जरूरी थोड़ी है। जैसे बात करते हैं इन भाई साहब की, ये जो मास है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ऊपर या नीचे कहीं मूव कर सकता है, क्या इसको भी वर्क करना होगा? क्या इसको वर्क करना होगा ये काम करने के लिए? वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी कह सकते हैं क्या सर? अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगर ऊपर जा रहा है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी, या तो फिर ग्रेविटी इस पे वर्क करके नीचे ले जाए, आ रही बात समझ में? बट इसको तो पी डेल्टा बी से कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मैं इसकी बात करूं, भूल जाओ इसको, एक प्रोसेस, एक मास लटका के रखा है, उस मास को किसी पुली के थ्रू खींच रहा हूं, तो अगर कोई इस सिस्टम, इसको सिस्टम लेके करे, तो इसके लिए तो पीवी वर्क नहीं डिफाइन कर पाएंगे। बात आ रही है क्या समझ में? ठीक है, इसके लिए जो वर्क है, इस वर्क को हम नॉन पीवी वर्क कहते हैं, नॉन पीवी वर्क, और इसी नॉन पीवी वर्क को यूजफुल वर्क भी कह रहे हैं। अब ऐसा क्यों? तुम एक्चुअली क्या चाह रहे थे? तुम इस प्रोसेस में तो यही चाह रहे थे कि या मास या तो लिफ्ट हो जाए या नीचे चला जाए, तो मास को लिफ्ट करना चाहते थे। तुम्हारा जो काम है वो यही है कि मैं मास को लिफ्ट करना चाहता हूं, उसके लिए तुमने एक मैकेनिज्म फिट किया, वो क्या है? पिस्टन सिस्टम, ठीक है। तो तुम्हारे लिए यूजफुल काम इसके कंप्रेशन से थोड़ा, तुम्हारा यूजफुल पार्ट कौन सा है? इसको लिफ्ट करना। थोड़ा समझ में आ रहा है बात? अब इसके साथ साथ जरूर यहां पे कुछ पीवी टाइप का वर्क भी हो जा रहा है डेफिनेटली, बट अपना काम की चीज तो ये थी, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? यूजफुल वर्क भी कह रहे हैं। बात आ रही है क्या समझ में?
थोड़ा आइडिया लग रहा है कि कुछ नॉन पीवी वर्क भी है, ठीक। इसको एक बार बनाओ तो फिर हम बात करेंगे यहां हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम कोरिलेट करते हैं कि हमें यूजफुल वर्क वगैरह से क्या फर्क पड़ रहा है और गिब्स फ्री एनर्जी से इससे क्या लेना देना है। इस चीज को समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए, जो जी टर्म है, जैसे इंथैल्पी टर्म आया था और मैथमेटिकली हमने एच को डिफाइन किया था यू प्लस पीवी, उसी तरह से मैथमेटिकली जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, वेयर एच इज व्हाट, एंथैल्पी, टी इज योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जब कभी भी एब्सोल्यूट बोले तो क्या होता है केल्विन में, एस इज एंट्रोपी, ठीक है, आ रही बात समझ में, ये क्लियर है यहां तक। हाँ, अब देखो मान लो हमने कोई प्रोसेस किया, जैसे पिस्टन वाला प्रोसेस था उसी टाइप का कोई प्रोसेस किया, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ मेरे को कुछ ऐसा कहता है क्या कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है ऐसा, या आप डेल्टा क्यू भी लिख सकते हो इसको, हाँ डेल्टा क्यू लिख लो कोई बात नहीं, ठीक। अब जैसा कि अपने को समझ में आ रहा है कि पिस्टन टाइप के प्रोसेस में ये डेल्टा यू डेल्टा क्यू, वर्क दो टाइप का होता है, वर्क पीवी प्लस वर्क यूजफुल, लिख दो ऐसा, हाँ, और वर्क पीवी के बारे में आपको पता है ये होता है माइनस पी डीवी, चलेगा, हाँ। मान लो हम डी यू के टर्म में लिख रहे हैं, पार्शियल टर्म में लिख देते हैं डी क्यू प्लस वर्क यूजफुल, देखो क्लियर है यहां पे, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पे कुछ ऐसा है अपने पास, अब हम इसको ना इस इंथैल्पी टर्म से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा इंथैल्पी पे चलते हैं। इंथैल्पी अगर आपको याद हो तो एच को यू प्लस पीवी लिखा था, तो डीएच क्या होता था, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी कह सकते हैं। अब जरा डी यू की वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल दो, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है देखना, डीएच इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी प्लस वर्क यूजफुल प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, देखना कुछ कट रहा है शायद, पी डी वी गया, क्लियर। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम यहां पे ना इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इंट्रोपी को, ध्यान रखना पहले एच के साथ रिलेट किया अब इंट्रोपी, क्योंकि देखो यहां पे इसके टर्म में इंट्रोपी और एच दो टर्म है, ठीक है, फिर फाइनली हम जी पे आएंगे। तो इसमें कौन सा ऐसा टर्म है जिसको इंट्रोपी से रिलेट किया जा सकता है, डी क्यू को किया जा सकता है, डी क्यू अपॉन टी को तो ही देते, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डी क्यू अपॉन टी के लिए कहेंगे आप इंट्रोपी, तो आप डी क्यू को टी डी एस लिख सकते हैं क्या, क्या डी एस को डी क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं, तो डी क्यू को टी डी एस लिख सकते हैं, तो डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी प्लस वर्क यूजफुल, देख लो तो प्लस माइनस सब देख लो पहले ढंग से, चलेगा। अब डीएच माइनस टी डी एस इसको उठा के इधर लगेगा, ठीक है, माइनस वी डी पी इज वर्क यूजफुल, बताओ यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको, चलो लिखो तो पहले इसको यहां तक, अब देखो हमारे पास एक रिजल्ट आया हुआ है यूजफुल वर्क का, अब कैसे इसको हम गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेट करेंगे वो देखते हैं। देखिए अगर जी ऐसा है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, बताओ, ठीक है। अब मैं लिखना चाहता हूं डी जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट किया चला गया, और डीएच कांस्टेंट प्रेशर पर डिफाइन कर सकते हैं,
यूजुअली एनसीपी डेल्टा टी लिख देते हो तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, हम लिख देते डीएच माइनस टीडीएस, ठीक है। अब जरा इधर आना, फिर से मैं यहां पे वही कंडीशन लगा रहा हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे क्या चीज जाएगी, ये जाएगा, तो वर्क यूजफुल क्या हो गया, डीएच माइनस टीडीएस। कुछ लग रहा है, हाँ देखो कुछ जादू हुआ, ये ए है ये बी है, और इस जादू से ये समझ में आ रहा है कि ए और बी बराबर है, ठीक है। यहां से अपने को समझ में आया कि अगर आप डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर की बात करें, दिस इज नथिंग बट वर्क यूजफुल। सो यूजफुल वर्क इज एक्चुअली इक्वल टू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। अब एक चीज देखो, मैं क्या करता हूं, दोनों साइड माइनस लगा देता हूं, क्यों लगा रहा हूं अभी समझ में आएगा आपको। माइनस वर्क यूजफुल, केमिस्ट्री में हमने ये देखा कि अगर वर्क सिस्टम करता है, वर्क डन बाय सिस्टम, तो वर्क कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये पूरे टर्म को मैं वर्क बाय सिस्टम कह सकता हूं, अलॉन्ग विथ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा कहे कि यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम इज माइनस ऑफ डेल्टा जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दैट इज डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे हम क्लास ट्वेल्थ में, वहां पे भी यूज में आएगा। ये पार्ट मिटाऊं इसकी, हाँ चलो यहां से यहां लिख देता हूं मैं, देखो एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम, ध्यान रखना बाय सिस्टम के कारण नेगेटिव वाला टर्म आया, इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। चलिए बनाइए, तो लिखिए अब देखो, अभी तक यहां पर हमने बस फाइनली ये डिराइव किया कि यूजफुल वर्क को आप गिब्स फ्री एनर्जी चेन से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। बट अपना एम तो ये था कि सेकंड लॉ से कैसे ये रिलेटेड है, इस चीज को चेक करें, ये स्पॉन्टेनिटी वगैरह को कैसे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो वो कैसे कर रहा है, आपको समझ में आएगा। इस टर्म को फिर से मैं रब कर रहा हूं, देखिए अपने को ये समझ में आया, अगर कोई यहां इस टर्म को लिखे तो डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, लिख सकते हैं ऐसा, है ना, बोलो। अब जरा सोचो, मैं इसको इंट्रोपी से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं स्पॉन्टेनिटी पे कमेंट करूं, क्योंकि अभी तक अपने को यह पता है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विल रिजल्ट इन टोटल डेल्टा एस, डेल्टा विल बी पॉजिटिव, ठीक है, विल रिजल्ट इन दैट टर्म, ऐसा कुछ है कि डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव अगर आ रहा है तो आप उसको स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, ये चीज अपने को पता है अभी। तब देखो मान लो मैं डेल्टा एस टोटल लिखना चाहता हूं, क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है। अब बताना डेल्टा एस सिस्टम को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, डेल्टा एस सराउंड रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर करके चल रहे हैं, डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा या फिर आप नॉन रिवर्सिबल भी करो उसके लिए तो एक्चुअली होता है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इट इज माइनस क्यू बाई टी, जो Q सिस्टम में सप्लाई हुआ, तो मैं इसको लिख देता हूं डेल्टा Q जो सप्लाई उसको डेल्टा H, डेल्टा H हीट कंटेंट ही तो होता है, ठीक है, डेल्टा H सिस्टम बाय T, कह सकता हूं ऐसा, बोलो ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि डेल्टा S सराउंडिंग इज माइनस Q एक्चुअल ऑफ सिस्टम बाय T, बोलो लिखते हैं ऐसा। तो आप T से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, यहां डेल्टा S टोटल था तो मैं लिख रहा हूं T डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम, देखना थोड़ा। अब इसको इसको कंपेयर करो, ये जो टर्म है, ये टर्म माइनस डेल्टा जी है, हा? क्या ये टर्म माइनस डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर है फॉर सिस्टम, बोलिए,
तो यहां से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा जी इज एक्चुअली माइनस टी डेल्टा एस टोटल, क्या बोलते हो? बोलिए, क्लियर है? अब आ जाओ, अब देखो यहां से मैं रिजल्ट्स निकाल रहा हूं। पहला रिजल्ट, अपने को पता है कि अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, स्पॉन्टेनियस के साथ साथ इररिवर्सिबल, तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता है। अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा जी टोटल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये मेरे को ये कहेगा कि इसके लिए एक और कंडीशन आ गया, डेल्टा जी नेगेटिव। समझ में आ रहा क्या? अच्छा, ये सारा काम हम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे कर रहे हैं, वो एक बार लिख दिया तो समझ लेना उसको। उसके बाद नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम का केस अगर आ गया, रिवर्सिबल होता है, तो आप कहते हैं डेल्टा एस टोटल क्या हो जाता है? जीरो। जो मेरे को क्या फिर से बोलेगा, डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा? जीरो। उसके बाद रिवर्सिबल प्लस नॉन स्पॉन्टेनियस, इसके लिए क्या होता है? डेल्टा एस नेगेटिव, क्या बोलेंगे? डेल्टा जी पॉजिटिव। बोलो, क्लियर है? तो क्या मैं ऐसे कहूं क्या कि देखो भाई, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस होने का कंडीशन हो गया कि डेल्टा एस पॉजिटिव हो, डेल्टा जी नेगेटिव हो। बोलो, तो आपसे हम यह मानेंगे कि किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव विल सपोर्ट इट्स स्पॉन्टेनिटी, और उसके लिए डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा। क्लियर? लिखो लिखो इस। तो सेकेंड लॉ से कोरिलेट हो चुका है ये। सो फाइनली हम इस रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं कि स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, और डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस टोटल। इसके लिए मैं ऐसे लिख दूं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर एक्चुअली किया हुआ है वो तो नोन है, ठीक है? तो अब देखो जरा इस टर्म को थोड़ा सा और देखें हम, इस पर्टिकुलर टर्म को। क्या मैं ऐसे कहूं कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी की वैल्यू क्या चाहिए अपने को? नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव के लिए कौन सा ऐसा पार्ट हो जो इसको सपोर्ट करे? जरा सोचो, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव चाहिए मेरे को, तो डेल्टा एच नेगेटिव हो तो बढ़िया मेरे लिए। डेल्टा एच अगर नेगेटिव हो जाए और डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाए तो गारंटी भी डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब जैसे मान लो कुछ इस टाइप से दे दे कि डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव हो गया। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया तो तुम्हें इन दोनों का सब्सट्रैक्ट का जो नेट वैल्यू होगी वो नेगेटिव चाहिए। तो तुम्हारे पास डेल्टा एस की वैल्यू मैग्नीट्यूड में जितना पॉजिटिव हो उतना बढ़िया। समझ रहे? मान लेते हैं इफ डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हो गया तो अपना एम तो डेल्टा जी को नेगेटिव करना है। सो डेल्टा जी नेगेटिव तब होगा जब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, यहां से मैं लिख देता हूं डेल्टा एच टी डेल्टा एस, ऐसे लिख दो। और यहां से मैं ऐसे लिख दू डेल्टा एस बताओ ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई टी, मॉड के टर्म में बात कर लो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन निकालने के लिए भी आ सकते हैं आपको कि किस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस है, कुछ नहीं करना, इनइक्वालिटी सॉल्व कर। क्लियर है बात? ठीक है, लिखो इसको जल्दी से। फर्स्ट,
चलो हो गया होगा। अब देखिए, अब हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो यूजुअली डायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं आते इसके, ये आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा इसका डिटेल डिस्कशन। इसे कहते हैं हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, ये देखो क्या है, अपने को ये पता है कि du को मैं dq माइनस pdv लिख सकता हूं, बताइए du को मैं dq माइनस pdv लिख सकता हूं, हाँ क्लियर है, तो जरा बताना इसमें dh अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा, du u प्लस pv होता है, pdv प्लस VDP, ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि H इज इक्वल टू यू प्लस PV होता है। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इस DU को यहां पुट कर दे रहा हूं, ठीक है, सो DH इज इक्वल टू DQ माइनस PDV प्लस PDV प्लस VDP, देखो तो ठीक है, अब इसमें शायद एक कोई टर्म चला गया, ये टर्म चला गया, तो यहां से DH की वैल्यू आ गई मेरे पास DQ प्लस VDP, एक टर्म आया मेरे पास, ये क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो अब क्या कर रहे हैं, पहले एक और कैलकुलेशन यहीं पे कर लें, अपने पास H के लिए हमने लिखा H इज इक्वल टू सॉरी G के लिए H माइनस TS, तो DG को मैं क्या लिखूंगा, DH माइनस TDS माइनस SDT, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस DH को पुट कर दो, समझ लो एक एक करके निकाल के पुट करते जा रहे हैं, सो dg इज इक्वल टू dq प्लस vdp, देखते रहो ठीक है क्या, और साथ में क्या आ रहा है, माइनस tds माइनस sdt, देख क्लियर है, ठीक है। अब कुछ यहां से भी कुछ कटवट सकता है क्या, सोचो सोचो, किसी को कुछ किसी टर्म से रिप्लेस करूं मैं ताकि एक टर्म कट जाए, क्या मैं DQ को TDS लिख सकता हूं, बोलो DS इज इक्वल टू DQ बाई T ही तो है, तो DQ को मैं TDS लिख सकता हूं प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT, देखो कट गया, सो DG का एक्सप्रेशन आ गया VDP माइनस SDT, बोलो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो अपने पास आया है DG इज इक्वल टू VDP माइनस SDT, अभी मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाया टेम्परेचर प्रेशर या किसी चीज का, सिंपल सबको डिफरेंशिएट करते चल रहा हूं, क्लियर है यहां तक। अब इसको देख के ये बताना, क्या मैं ये लिख सकता हूं डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डेल जी अपॉन डेल टी मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया कंसिडरिंग प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या आएगा वैल्यू, प्रेशर जैसे ही कॉन्स्टेंट किया ये वाला टर्म गया, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, क्या आ गया माइनस एस, पहला फंक्शन फर्स्ट रिलेशन। दूसरा क्या यह भी लिखा जा सकता है डेल जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू व्हाट, यही है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, क्योंकि यहां से आप क्या लिख सकते हैं, यहां से आप यह लिख सकते हैं कि अगर आप लिखना चाहें कि dg मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन को कांस्टेंट करके माइनस एस डी टी ऐसे करके लिखा जा सकता है क्या, हाँ, और यहां से फिर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करके निकाला जा सकता है, देखो यहां पे g एट टी टू माइनस g एट टी वन इज इक्वल टू माइनस एस डी टी इंटीग्रल टी वन से टी टू, बोलो कर सकते हैं ना ऐसा, ये काम यहां से भी कर सकते हैं वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है, इसी को गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। आईटी में जाओगे जरूर पढ़ाया जाएगा थर्मो, अगर हुआ सीएस छोड़ के बाकी सारे ब्रांच में थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा थोड़ा पढ़ाया ही आता है, लेकिन
लिखो जल्दी से हेल्महोल्ट्ज इंटरेस्टिंग नाम है। आईआईटी में हमारे एक प्रोफेसर थे, सेकंड ईयर में पढ़ाया गया था ये। साउथ इंडियन जो लोग होते हैं ना उनका थोड़ा प्रोनंसिएशन इंटरेस्टिंग होता है, नहीं जो प्रॉपर साउथ इंडियन होगा। तो वो जैसे वो एम को यम यम ऐसा बोलते थे। तो पहली बार उन्होंने पढ़ाया था तो इसका नाम उन्होंने बोला था गिब्स यम होल्ज इक्वेशन हो गया। यम होल्ज सबने लिख लिया वाई यू एम एच ओ एल जेड। फिर बुक में खोज रहे मिल ही नहीं रहा, बाद में पता चला हेल्म होल्ज को यम होल्ज बोलते थे। यम होल्ज इक्वेशन ए यू डू यू रिमेंबर यम होल्ज इक्वेशन इस टाइप से बोलते। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनाए जा सकते हैं यहाँ से अगर थोड़ा ढंग से सोचे तो। जैसे अगर इसको तुम गौर से देखो, यहां से ऐसा लिखा जा सकता है dg इज इक्वल टू वी डी पी। फिर इंटीग्रेट करोगे इसको तो वी डी पी को किसी ने लिख दिया n, पी वी इक्वल टू एन आर टी को लगाओ एन आर टी बाई पी, लिख सकते हैं आइडियल गैस इंटीग्रेट कर दिया p इनिशियल से p फाइनल, ठीक है। अब ये क्या हो गया डेल्टा जी इज इक्वल टू बताओ एन आर टी एल एन पी फाइनल बाई पी इनिशियल, या फिर माइनस एन आर टी एल एन पी इनिशियल बाई पी फाइनल। क्या ये वर्क आइसोथर्मल है रिवर्सिबल? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। लिखो जल्दी करिए जल्दी करिए, खत्म होने वाला है जल्दी फास्ट। फर्स्ट हो गया। देखिए सो अब अपने को एंट्रोपी का डिस्कशन और गिब्स फ्री एनर्जी इन दोनों का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। आप समझ पा रहे हैं अब रिलेट किया हमने कैसे कैसे इन सबको सेकेंड लॉ से, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अब हम इसी चीज को एक्सटेंड करते हुए पिछले चैप्टर में चले, पिछले से पिछले चैप्टर में याद होगा अगर आपको तो
केमिकल इक्विलिब्रियम में आया था डेल्टा जी का टर्म, गिब्स फ्री एनर्जी, और एक एक्सप्रेशन आया था डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। अब जरा थोड़ा सा देखें वहां पे, पहले समझो डेल्टा जी जब लिखते हैं तो ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। लेकिन अगर कोई डेल्टा जी नॉट लिखे तो इसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड, ये जस्ट सिंपल गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड होने का मतलब क्या, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये कराया जाता है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और वो होता क्या है, प्रेशर तो 1 bar, 1 atm भी ले लेते हैं लोग, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर लेते हैं 25 degree Celsius, दैट इज 298 kelvin, ठीक है। अब हमने ये रिजल्ट तो निकाल लिया कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बोलो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर स्टैंडर्ड होता तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, सब कुछ स्टैंडर्ड पे कैलकुलेट करो, ठीक है। अब देखो याद करना थोड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम का रिलेशन, वो क्या था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, क्यू क्या था, रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। और यहीं पे ये था रिएक्शन कोशेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बनाइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब बनेगा क्यू की वैल्यू जब के हो जाती है, के या के सी, तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू जीरो, और ये चीज प्रूव कर चुके हम अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। जैसे ही डेल्टा जी जीरो हुआ तो हम क्या लिख सकते थे कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस आर टी एल एन के, अभी के सी के पी जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। अगर बेस 10 में लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखते हैं, माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के, ठीक है भाई, ये सब पता है अपने को, अच्छा ये सब पता है। तो अब जरा देखो और कुछ रिलेशन बनाते हैं, जैसे ही अपने को ये पता चला तो अपने को तो ये भी पता है, इसका नाम 1 देते हैं या फिर इसका इसका 1 इसका 2 नाम दे दो, ठीक है। अपने को यह पता है कि हमने ये भी रिलेशन लिखा कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट होता है, ठीक है। yes, साथ ही साथ मैंने ये भी लिख दिया कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस आर टी एल एन के है, तो ये दोनों तो इक्वल है, 1 और 2, क्या बोलते हो, कह सकते हैं ऐसा, 1 is equal to 2। अगर ऐसा हो गया तो डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ठीक है। तो यहां से क्या, जरा देखना एल एन के की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एच नॉट, पहले पॉजिटिव वाला टर्म लिख लेते हैं, डेल्टा एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर टी, बोलना ये रिलेट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। साथ ही साथ आपने वो भी तो रिलेट किया था इसके कोरेस्पॉन्डिंग, एक वो भी रिजल्ट था अपना कि k इज इक्वल टू ए टू दी पावर माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अपॉन आर टी, तो यहां से ये भी था कि याद होगा अगर आपको लॉग k2 टू बाई के वन करते थे इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। तो किसी भी टाइप से रिलेशन आप सब निकाल लेंगे, लिखो जल्दी से। फर्स्ट Thanks for watching. Please like, share and subscribe for further updates.